hold you for my hand. Hold you for my hand. क्या सरोंग पहन के घूम रहा है ये? आटे की बोरी है क्या? अजीब ही चल रहा है भाई। हाँ भाई, डे टू इन दोहा और आज जो है हम मैच देखने जा रहे हैं स्पेन वर्सेस कोस्टारिका, लेकिन वो तो शाम में है। अभी फैन फेस्ट एरिया में जा रहे हैं सो वी कैन वॉच जर्मनी वर्सेस जापान। आ जाए। सो भाई ये वक्रा स्टेशन है और बहुत मुनज्जम और बड़ा तमीज से रखा हुआ है आवाम को, और अभी ट्रेन लेके सूप वाकिफ एक जगह है वहाँ पे स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से बस लेंगे, बस अपने स्टॉप पे उतारेंगे और फिर वहाँ से पैदल का सफर दिखाते हैं। फुल एयरपोर्ट वाला माहौल लेकिन ट्रेन स्टेशन। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि यार ये बड़ी गाइडेंस देते बेचारे यार, जगह जगह खड़े होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जिन लोगों के पास हाया कार्ड यानी कि मैच टिकट्स वगैरह हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीपल आर जस्ट क्रॉसिंग और फ्री है भाई, मेट्रो फ्री है, बस फ्री है, यू कैन गो एनीवेयर। अरे भाई, दुनिया के अच्छे अच्छे एयरपोर्ट ऐसे नहीं होते। चमकती धमकती मेट्रो, ये भाई सारे कोस्टारिका के फैंस। भाई इतना ऑर्गेनाइज है ना, दिमाग घूम गया माशाल्लाह। शुरू में थोड़े से मैं जरा मुझे हो रही थी खौफ, लेकिन सिस्टम समझ एक दिन में आ जाता है सिस्टम समझ। तो वो सब स्टेडियम लेके जा रही है बसेस, ये फैन फेस्ट वाले एरिया में लेके जा रही है, तो हम अभी फैन फेस्ट पे जा रहे हैं। भाई रेगिस्तान में इतनी हरियाली, चलो आर्टिफिशियली सही। सो फैन एरिया में दोबारा आ गया हूँ, जापान वर्सेस जर्मनी का एक हाफ देख के फिर पकड़ेंगे बस, फ्री बस ऑल द वे टू द स्टेडियम और वहाँ पे स्पेन वर्सेस कोस्टारिका। हाँ भाई, अगला मैच शुरू होने वाला है। BTS वाले आए हैं भाई, जंगू वंगू खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जर्मनी जापान का पहला हाफ देखा 1-0 और अब नाउ रशिंग टू माय स्टेडियम अल्थोमामा। मेट्रो लेनी है, फिर वहाँ से एक और लेनी है, फिर 40 मिनट की वॉक है, डेढ़ घंटा दिखा रहा है मैप में, एंड यू कैन ऐड मोर मिनट्स बिकॉज बैरिकेड्स होते हैं, कुछ नई चीजें लगा देते हैं, रोड बंद कर देते हैं। सो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 5:45 हो रहा है, 7 बजे मैच। सो वहाँ बैठ के बंदा टाइम जाया कर ले, लेट ना पहुंचे, वैसे ही डेढ़ घंटे का मैच होता है। मजा आ रहा है यार, इतना मजे का मौसम है। मेट्रो सही मस्ती चल रही है भाई, इधर फुल एंटरटेनिंग माहौल। आज ही बसों के काफलों में भर भर के पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी सी वॉक है और सब गाइडेड है, एवरीथिंग इज ग्रेट। मोबिलिटी मार्शल्स खड़े हुए, इनका नाम है मोबिलिटी मार्शल, वो देखें वहाँ तक आवाम जा रही है। आई थिंक वो जो पीछे व्हाइट लाइट्स हैं, दैट्स अ स्टेडियम। ये आधे घंटे की वॉक है बट खैर है, मौसम अच्छा है। हाँ जी, स्टेडियम बिल्कुल सामने है, काफले रवा दवा, और एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी अच्छी मिसाल, पीछे पाकिस्तानी बॉय था, पेंट वो आइसक्रीम के कप्स में डिफरेंट कलर्स के पेंट डाल के और ब्रश लेके खड़ा था। आपको स्पेन का करवाने फेस पेंट वो करा लें, कोस्टारिका कराने वो करा लें, 5-5 रियाल ले रहा था। गुड जॉब, ऐसे मेहनती बच्चे मुझे बड़े पसंद हैं भाई, जो आइडिया निकालते हैं। गुड जॉब भैया, रियली एक्साइटेड। अरे क्या गिर गया भाई, कलर बड़े मजे के भाई यहाँ के। भाई इवेंट अपनी जगह, कल्चर को फॉलो करना आसान हुई सब बात। भाई वो दूर से ये दिख रहा था स्टेडियम, मेरा बड़ा टाइट है। अरे स्टेडियम तो ये है भाई, चमकता धमकता वो पर प्रोटोकॉल। हाँ जी, एंट्री हो गई है, जबरदस्त की सब क्या वाइब है, और पब्लिक आ रही है पीछे, तलाशी वलाशी ले रही है। पहुँचो, काफी वन साइडेड मैच और स्पेन 7-0।
अबे मजाक हो रहा था, जब दिल कर रहा आगे कर रहे है भाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को भाई? यहाँ क्या हो रहा है भाई, एक्टिविटी लगाई हुई फुटबॉल वाली, हेडर मारना है इसको। माशाल्लाह स्पेन के फैंस, अर्जेंटीना की शर्ट पीछे, साथ ही सेलिब्रेशन बूथ, वाह जी वाह, पापी पापी, सही है भाई, यो कंग्रेचुलेशन। हाँ भाई यार, बड़े ही बोरिंग वन साइडेड मैच यार। एक बात बताओ, ये वर्ल्ड कप कितनी नशे तो नहीं होती, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अच्छा जी, कल की तरह आज भी सूप वाकिफ आया हूँ मैं। सारी जो फैंस हैं वो मैच के बाद इधर ही आते हैं, इधर खाने पीने के बड़े ऑप्शन हैं, पुराना बाजार है, बॉल देखते हैं। कल तो यार थोड़ा थका हुआ था मैं, निकल गया था, बच्चों ने आना था तो एयरपोर्ट चला गया था, आज वो आ गए हैं तो अब उनके साथ इधर चले। अच्छी वाइब है टर्की के स्पाइस मार्केट टाइप की, या बड़ दुबई में जो मीना बाजार है वो वाली वाइब बिल्कुल आपको यहाँ फील हो सकती है। I can smell a lot of fish though. हाँ वो सारे फिश वाले बैठे हैं। I hear Pashto music. हाँ लगे हुए खान साहब। ये पाकिस्तान का कल्चर, ये अबे तो नसीम शाह लग रहा है, शेर को दिखा रहे करके अरबाब को। अरे सेलेक्ट भी कर लो। आहा ये बात। हाँ जी, तो जरा ये मार्केट, ये सूक, ओल्ड सूक की वाइब चेक करें। रहने के काबिल शहर, सकून अमन सब कड़े हैं। अरे भाई ये बहुत लोग हैं भाई इधर के पीके वाले, उन्होंने ही बनाया यार। वैसे यार वैसे देखो ना ये सब, ये किसने बनाया, इन लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, अल्ली वल्ली यार। मगर पॉइंट ये है कि अगर कानून हो तो हमारे लोगों में फीफा वर्ल्ड कप खड़ा करने की सलाहियत मौजूद है। यहाँ से चलते हैं। ओ ये भी बंद है यार, ये पता नहीं इन्होंने क्यों बंद किए हैं। हालांकि अंदर वहाँ लोग खाना खा रहे हैं और वो गेस्ट हमारे हमारे होस्ट हैं, वेट कर रहे हैं। इन्होंने सारी गलियां बंद की हुई, कह रहे पीछे से घूम के आओ। यार क्या जो बफूर की जो खुशबू आ रही है ना, ओहो हो जबरदस्त। तो हाँ मैं ही कह रहा था भाई, हमारे आवाम में बिल्कुल ये है। और घोड़ा गाड़ियाँ, इस तरह का वर्ल्ड क्लास शहर खड़ा कर सकते हैं, मौके दिए जाएं, पैसे दिए जाएं, व्हाई नॉट। ये भी कह रहा है बाघ उधर से, ये फुल एम्प्रेस मार्केट, दारचीनी की स्मेल आ रही है बाहर, ये मेला लगा हुआ है एम्प्रेस मार्केट के बाहर। सोचें मैं घूम रहा हूँ, ये इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है एरिया बच्चों को हॉर्स राइडिंग। यार कानून बहुत टाइट है यार, ये छेड़म छाड़ी ना आप नहीं कर सकते। तो फैमिली सुकून में रहती हैं, लड़कियां सुकून में रहती हैं, कोई बदमजगी नहीं होती, लोग सीधे रहते हैं। हालांकि कीड़ा सब में होता है, लेकिन भाई कानून टाइट रहता है तभी सुकून है। अच्छा भाई यहाँ से एंट्री है, हाँ शुक्र है। क्या है, बंदर अदन अल माकूलात अल पंडे, ये क्या सरोंग पहन के घूम रहा है, ये आटे की बोरी है क्या, अजीब ही चल रहा है भाई। अच्छा ये इन्होंने यहाँ से खोला हुआ है, असल में ये भी होता है, जरा ट्रैफिक इधर से भी डाल लाओ भाई, जरा डिवीजन ऑफ ट्रैफिक थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा भाई यहाँ क्या हो रहा है, अभी फुल अंचोली वाइब आ रही है एकदम। अगेन आई लव द आइडिया ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट्स, कॉर्डन ऑफ जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, टीणी पापा बाइकें, ये आधे रोड तक बाइकें खड़ी हैं, वहाँ की आंख बंदा चल ही नहीं सकता, खेले आए हुए, ये आया हुआ, वो आया हुआ। वो तमीज से बाजार लगा हुआ है, उसका भी सामान बिक रहा है, चलने वाला भी सही चल रहा है, फुटपाथ पे भी चल रहा है। अब हमारी आबादी बहुत ज्यादा है यार, बहुत पैदा कर ली हमने फजूल में, काम कुछ करने को है नहीं, बहन पैदा किए जाओ, रहने के काबिल नहीं रहे वो शहर। यार कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इमेजिन यार इन खिड़कियों पे कौन कौन लोग रहते होंगे, कितनों का बचपन यहाँ गुजरा होगा, जस्ट इमेजिन। अब देखो ये दो मुल्क जो है ये ऐसे गुत्थम गुत्था हुए हुए थे 2 साल पहले के, बॉर्डर बंद कर दी थी इन्होंने भाई एक दूसरे के लिए। तो जो डेयरी का मतलब दूध वगैरह और दूसरी फार्मिंग की चीजें सऊदी से आती थी, अबे खाना बंद हो जाता था। तो कतर एयरवेज ने बड़े बड़े एयरबस उड़ाए, ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगाया,
एंड दे डिसाइडेड कि भाई हमने अब दोबारा हम पे ये वक्त ना आए कि हमारा खाना बंद हो जाए। तो इन्होंने दूध में एक साल के अंदर इतने खुद कफील हो गए कि अब एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मुझे यहीं के एक बंदे ने बताई थी ये बात जब मैं पहले सिर्फ 5 घंटे के लिए आया था। तो देखो अब बगल गिर हुए में दोस्ती हो गई है, अब साथ एक दूसरे के मैच देख रहे हैं, MBS कतर के मैच में आ रहा है, कतर वालों के मैच में आ रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे साथ डांस कर रहे थे। अबे भाई आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, आप सारी जिंदगी लड़के नहीं रह सकते, अगर एक मोहल्ले में रहना प्यार से रहना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। ये बात हमें 75 साल से समझ नहीं आ रही, ये अरबियों को हम बड़े आराम से कहते हैं बुद्धू हैं, ये ऐसे चवल हैं, ये वो हैं। अबे मैं तो कहता हूँ इनसे अच्छे मैनेजर कोई नहीं है, दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। अब इन्होंने देखा यार हमारी बचत जो है साथ होने में है, तो इन्होंने देखो अच्छा गेम क्या खेला को भाई, रावी सेंटर छोटा सा चल रहा। तो भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ आके दे रही, पड़ोस में रहना है हमारे, हर किसी पड़ोसी से नहीं बनती हमारी, हम वो गंदी आंटी नहीं होती मोहल्ले की जिनके घर बॉल चली जाए तो वो बॉल काट के देती है वापस, हम वो है अपने मोहल्ले की, किसी नहीं बनती, पूरा मोहल्ला कहता है यार ये कब मतलब सही होंगी। ये सीखो इन चीज़ों से, इन मुल्कों से सीखो, इनको हम बड़े आराम से कहते हैं बुद्धू हैं, अरबी बेवकूफ़ बन जाते हैं। अबे फीफा करा रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं अपने इशारों पे, कौन सा बुद्धू है भाई, सबसे अच्छा मैनेजर है भाई, बगैर आपको नेशनलिटी दी अपना मुल्क खड़ा कर दिया, ये देखो बगैर राइट्स दिए कर दिए। सही गलत वो अपनी जगह, वो सब्जेक्टिव बात है, मगर अपनी कौम के लिए तो मुखलिस है ना, उनकी कौम खुश है, बात खत्म, उनका हर बंदा अमीर है, उनकी अपनी आवाम सुकून में देख लो घूम सकती है, हमारे मुल्क में ऐसे खातन सकून से को टेंशन ना हो। बल्ली बल्ली यार, या शेख अपनी अपनी देख, अपने आप को देखो, अपनी चीज़ें सही करो, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। अबे तुम कैसे हो भाई, अभी $600 मिलियन निकाल लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, डिफॉल्ट पे जा रहा है। अबे $600 मिलियन या 220 बिलियन का एक इवेंट हो रहा है, ये 220 बिलियन हो रहा है यहाँ पे। अबे खली बल्ली यार।